होता है ऋतिक, लेकिन लास्ट मोमेंट्स पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो वहाँ से चला जाता है, श्रद्धा उसे वहाँ से भगा देती है। तो बाहर वो मुझसे टकराता है और मैं उससे पूछता हूँ कि भाई कहाँ जा रहे हो, तुम तो आज सच्चाई बताने वाले थे सबको। तो ऋतिक को उसने, श्रद्धा ने अलग ही उससे कन्विंस किया है वैसे, कि उसने कहा है कि मैं मजबूरन शादी कर रही हूँ, मेरे पापा बीमार हैं और वो चाहते हैं कि मैं ये शादी करूँ। तो अब मुझे श्रद्धा की सच्चाई उसके सामने लानी है, ऋतिक के सामने। तो मैं उसको बोलता हूँ कि ये लो, मैं उसे 10 लाख का चेक काट के देता हूँ कि ये तुम्हारे पैसे हैं, अब उसको फ़ोन करो और बताओ कि तुम्हारे पास पैसा है, फेम है, सब कुछ है, तो अब वो तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाए। लेकिन फिर भी श्रद्धा उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आती और वो उसे पागल बना देती है। तो इस तरह श्रद्धा की सच्चाई उसके सामने आ जाती है ऋतिक के, ऋतिक के जरिए। एक्चुअली हमारे घर वालों को, सबको, हम चाहते हैं पता चले जल्दी से जल्दी श्रद्धा की सच्चाई, और ध्रुव की और श्रद्धा की जो शादी होने वाली है, जो सगाई हम लोग नहीं रोक पाए, शादी रोक दें। सॉरी, ध्रुव और श्रद्धा की इन इस सीरियल में शादी होगी या नहीं? हम तो नहीं होने देंगे, खैर लेट्स सी। और ट्विस्ट एंड टर्न्स, मतलब बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स। बिल्कुल, मैं और थपकी दोनों जी जान से लगे हुए हैं कि हम ये शादी ना करा पाएँ। देखें, अब कोशिश हमारी जारी है, कोई ना कोई सबूत हम ढूंढ रहे हैं कि कुछ हाथ में आ जाए ऐसा जिससे हम श्रद्धा की सच्चाई सबके सामने ले आएँ। बाय द वे, आजकल न्यूज़ में आमिर खान का, आपने भी सुना होगा, बयान जी बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, उन्होंने सफाई भी दी अपनी, लेकिन अनुपम खेर या आमिर खान, जो दोनों के अलग अलग बयान, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे ख्याल से अनुपम खेर जी के साथ जाना चाहूँगा, बिल्कुल। एक सिंगल कंडीशन के ऊपर आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा डिसीजन लेना और इतना बड़ा नोटिस जारी कर देना, आई मीन इतना बड़ा फैसला ले लेना, मुझे नहीं लगता कि ये सही है, इसलिए मैं अनुपम खेर जी के साथ हूँ। और सॉरी आमिर सर, आपको भारतीय होने पे कितना गर्व है? फुल, सबसे ज़्यादा गर्व ही मुझे भारतीय होने पे, और किसी पे नहीं। थैंक यू मनीष, थैंक यू।